हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। इसका जो न्यूज़ है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इसका जो प्राइस है रिलायंस इंडस्ट्री का वो इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने एक बॉटम बना दिया है, ऑलरेडी बॉटम बना दिया है। जैसे वो उसको क्रॉस करेगा आपको अच्छा रैली देखने को मिलेगा। अभी देखिए करेंट प्राइस क्या है, ठीक है, अभी देखिए 1529, ठीक है, 1529 के आसपास है। आज देखिए 14 पॉइंट इसमें जो है गिरावट हुआ, लेकिन दोस्तों इस गिरावट का हमें जो है फायदा उठा लेना चाहिए एज ए अपॉर्चुनिटी के तौर पर। तो इस प्राइस पर हम मतलब कि जम के खरीदारी कर सकते हैं, और जम के खरीदारी करने के बाद दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जल्दी स्टॉक दोस्तों अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो अगर आपने नहीं खरीदा तो खरीद सकते हो। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसमें एक बुलिश मूवमेंट जल्दी ही आने वाला है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मंथ का ये चार्ट है, ठीक है। 1 मंथ में देखिए दोस्तों, जब ये स्टॉक गिरा, ठीक है, गिरने के बाद इसने जो है एक 1500 के लेवल को टच किया। यहाँ पर देख सकते हैं, जस्ट मतलब कि एक 1500 के लेवल को जस्ट इसने टच ही किया, और उसके दोस्तों देख सकते हैं 1550 को एक कई बार जो है क्रॉस करने के लिए ट्राई भी किया। यहां देख लीजिए, फर्स्ट टाइम नहीं कर पाया, सेकंड टाइम भी नहीं कर पाया, थर्ड टाइम दोस्तों जब ये किया तो 1500 तो पहुंच गया, 1500 तो पहुंच गया, लेकिन वहां पर दोस्तों ये स्टेबल नहीं रह पाया, स्टेबल नहीं रह पाया। तो लेकिन अब जो दोस्तों ये हायर लेवल बनाएगा वहां पर ये स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि आप अगर धीरे धीरे देखोगे तो यहां पर देखिए जो है ये अपर मूवमेंट ही जाने वाला है। और इसके ट्रेंड के बारे में भी हम जो है डिस्कस करेंगे कि इसका जो ट्रेंड है कैसा है। देखिए अभी जो लोग भी बहुत लोग ऐसे हैं जो 1600 के भाव पे खरीद रखे हैं, और वो सोच रहे हैं कि ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो हमें बेच देना चाहिए। तो अब ये जो टाइम है यहाँ पर आपको सेल नहीं करना है, यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है और होल्ड करना है, क्योंकि देखिए सीजनल इफेक्ट के कारण, देखिए अभी आपको पता है दोस्तों इस पर जो एक छोटा सा पेनल्टी लग गया है, और ऊपर से गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है कि रिलायंस के जितने भी मतलब असेट है वो भी सेल नहीं कर सकते, और सऊदी अरब से जो भी था दोस्तों ये डिस्कस नहीं कर सकते। तो थोड़ा उनके वजह से रिलायंस इंडस्ट्री पे फोर्स पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो जल्दी जैसे ही वो फोर्स हटेगा आपको अच्छा से अच्छा यहां पर मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कई बार इसने देखे 1400 के लेवल को टच किया, लेवल को टच करने के बाद फिर इसने देखे कहां तक लेवल बना दिया दोस्तों, 1100 के आसपास बना दीजिए, देखिए 1100 के आसपास बना दिया, ठीक है। लेकिन 1100 के आसपास बनाने के बाद जब तेजी आया तो यहां पर देख सकते हैं डायरेक्ट 1600। उसी तरह देखिए यहां पर भी एक छोटा सा गिरावट आ रहा है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट कैसे जाएगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन जाएगा। इससे क्या होगा, अप डाउन इसलिए होता है ताकि आप लोगों को कंफ्यूज कर पाए कि मैं इसको खरीदूं या ना खरीदूं, खरीदूं या ना खरीदूं। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी ब्रोकर हैं सारे यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा और मतलब कि बहुत ही बुलिश मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं। सब लोगों का टारगेट यहाँ पर देख लीजिए, इनका जो टारगेट है अराउंड 1800 के आसपास है, 1750 के आसपास, ठीक है। तो अराउंड मान लीजिए एक अप्रोक्सीमेटली 1800 के आसपास है। यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट ये देखिए मोर देन 1800 दे रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो टारगेट है ये जो टारगेट है दोनों सेम है, ठीक है, रिलायंस का टारगेट ये दोनों सेम है, और यहाँ पर भी ये जो टारगेट देख सकते हैं सेम है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज्यादा जो है टाइम लगेगा, लेकिन उसके साथ ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न भी देगा, क्योंकि आपको पता है अगर निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, चाहे निफ्टी को ऊपर जाना है दोस्तों सेंसेक्स को, तो ये सपोर्ट करेगा, रिलायंस सपोर्ट देगा दोस्तों। और जैसे ही जितना ज्यादा सपोर्ट देगा मार्केट उतना ज्यादा हाई जाएगा। और जहाँ तक हम बात कर लेते हैं ये रिटर्न कितना देता है 1 सालों के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए विथ इन ए ईयर 1 साल के अंदर यहाँ पर देखिए आपको जो है 40.75 75 अराउंड मान लीजिए कि 40% का आपको रिटर्न दिया। तो दोस्तों सपोज बहुत मतलब आप इससे भी अगर मल्टीबैगर या कुछ कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक भी ढूंढ लेंगे तो आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा आपको सियोरिटी और सेफ्टी भी मिलता है रिलायंस में, क्योंकि ये अगर गिरेगा भी बाई चांस तो बहुत सारी आपने स्टॉक देखा होगा अरबिंदो फार्मा, 1000 रुपये से आज देख सकते हैं 500 400 रुपये में ट्रेड हो रहा है। सोचिए 400 500 मतलब कि वो मोर देन 50% गिर गया। लेकिन रिलायंस कभी भी गिरता है, कोई भी न्यूज़ आता है तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, वो थोड़ा बहुत ही गिरता है, 4 5% के आसपास गिरता है, लेकिन उसके बाद फिर जब रिकवरी लेता है तो अच्छा रिकवरी लेता है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं 1 साल के अंदर 40% का रिटर्न बैंक से तो बहुत अच्छा रिटर्न है, और मार्केट से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम तो इतना रिटर्न निकाल के देना ही चाहिए।
और यहाँ तक कि यहाँ पर देख सकते हैं एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट में यहाँ पर बताया जा रहा है गुड टाइम टू कंसीडर एज ए स्टॉक इज़ नॉट इन, यहाँ देख सकते हैं ओवरबॉट जोन, मतलब कि दोस्तों स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में नहीं है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है ज़्यादा, मतलब इसका जो रेट है एक होता है जो रेट है वही है इसमें, मतलब एक रेवेन्यू जो है प्लस करते हैं जिससे उनका जो रेवेन्यू होता है एक अलग से प्रॉफिट निकल जाता है, तो वो नहीं है। ये जो आपको मिल रहा है दोस्तों एक एक्चुअल और अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, अगर इस प्राइस पर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो अच्छे से खरीदारी कीजिए, इसमें आपको है आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में कभी आपको यहां पर लॉस नहीं होने वाला, ये ऐसा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। सीजनल इफेक्ट के कारण तो दोस्तों सारे स्टॉक जो है गिरावट आते रहती है, तो आपको रिलायंस अगर आपने पहले से खरीदा है तो इसको सेल मत कीजिएगा, होल्ड कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, आपको कभी भी ऐसा न्यूज़ नहीं दिया जाता कि किस स्टॉक का प्राइस गिर चुका है या किस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है। जो हो चुका है उसके बारे में दोस्तों ऐसा न्यूज़ देना सही नहीं है और एक तरह का वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए आप लोगों को अप टू डेट रहना चाहिए। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।